हेलो एवरीवन, आज हम लोग वीडियो बनाएंगे टेरिटोरियल आर्मी के ऊपर, जिसे हम लोग TA कहते हैं इन शॉर्ट। तो नोटिफिकेशंस आर आउट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टेरिटोरियल आर्मी होता क्या है। लेकिन देर इज़ अ गुड न्यूज़ बेटा बिफोर दैट। वो गुड न्यूज़ ये है कि इस बार से वुमेन कैंडिडेट्स आर ऑल्सो अलाउड टू अप्लाई फॉर TA। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी खबर है। जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, अब आप लोग भी टेरिटोरियल आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। इफ़ यू आर अबाउ 25 ऑल्सो, ठीक है, 25 से ऊपर कोई प्रोविजन नहीं था वुमेन के लिए कि वो डिफेंस में अप्लाई करें। लेकिन अब ये एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मेल्स के लिए तो था, देवर एलिजिबल फॉर TA, बट अब से लड़कियाँ भी एलिजिबल हैं या फीमेल कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, बात करते हैं अब टेरिटोरियल आर्मी के बारे में, ये क्या है। सबसे पहले आपका जानना ज़रूरी है कि बेटा इट्स अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। यहाँ पर इसको आप मेन स्ट्रीम जॉब की तरह मत सोचिए। वो लोग अप्लाई करते हैं TA के लिए जो ऑलरेडी सिविलियन जॉब्स में हैं अपने, ठीक है। किसी का अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है या कोई कहीं प्राइवेटली जॉब भी कर सकता है। तो ऐसे लोग अगर देश की सेवा करना चाहें तो ये एज अ पार्ट टाइम देश की सेवा या आर्मी में आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ अब कोई अगर किसी का अपना बिजनेस है, तो वो अगर TA का एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है और अगर इंटरव्यू पास करता है, तो उसको कुछ महीनों के लिए पूरे साल में एक यूनिट असाइन होगी और उसको सिर्फ कुछ महीनों के लिए वहाँ पर सर्व करना है। रिमेनिंग टाइम वो अपना बिजनेस कंटिन्यू करेगा। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपना काम के साथ साथ आप देश की सेवा भी कर सकते हैं। और फौज से अच्छा मुझे नहीं लगता कोई और तरीका है देश की सेवा करने का। अब कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, उस पर हम लोग आते हैं। लेकिन एक और चीज़ आपके लिए ज़रूरी है बताना कि टेरिटोरियल आर्मी की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इट्स अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। इसका मतलब ये है कि अगर कभी कभी इमरजेंसी पड़ जाए और रिक्वायरमेंट हो, डायर सिचुएशंस में अगर रिक्वायरमेंट हो ऑफिसर्स की, तो हमारे पास बैकअप है ऑलरेडी, ठीक है। हमारे पास TA में ऑफिसर्स हैं जो इमरजेंसी के सिचुएशंस में या डायर सिचुएशंस में हेल्प कर सकते हैं देश को बचाने के लिए, ठीक है। तो ये पर्पस है TA का। अब बच्चे मुझसे पूछेंगे कि सर इसमें क्या सैलरी है, क्या प्रिविलेजेस हैं। तो सैलरी और प्रिविलेजेस एंड पर्क्स आर सेम एज एन रेगुलर एज अ रेगुलर ऑफिसर। जो आर्मी में जो रेगुलर ऑफिसर हैं, पर्क्स और सारे प्रिविलेजेस, सैलरी आपको सेम मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा प्रमोशन में जो टाइम बेस्ड प्रमोशन है वो TA के ऑफिसर्स के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कोई नॉर्मल रेगुलर ऑफिसर को अगर 3 साल लगते हैं लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनने के लिए, तो TA के ऑफिसर को उससे 2 साल ज़्यादा लगेंगे, 5 ईयर्स लगेंगे। तो जो प्रमोशन है उसमें कहीं ना कहीं 2-2 साल का इजाफा देखा गया है, कहीं ना कहीं सीनियोरिटी जो रेगुलर ऑफिसर है उनको दी गई है, ठीक है। तो बस इतने थोड़े से चेंजेस हैं, बाकी ऑल द प्रिविलेजेस एंड पर्क्स आर सेम, ठीक है। तो नोटिफिकेशन में चलते हैं, लेट्स सी इट्स नोटिफिकेशन। तो जॉइन territorialarmy.gov.in में नोटिफिकेशन इज़ आउट, और इसमें साफ साफ कहा गया है कि इट इज़ नॉन डिपार्टमेंटल एंड इट इज़ फॉर यंग मैन एंड वुमेन, ठीक है। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ फॉर यंग मैन एंड वुमेन, ठीक है। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम TA फीमेल्स के लिए भी ये फॉर्म लाया है, एप्लीकेशन लाया है। एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। फीमेल को मैं अंडरलाइन करूँगा, ठीक है। एज लिमिट 18 to 42, तो आप सोच लो बेटा 18 to 42 इज़ द एज लिमिट, ठीक है। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, कोई 10th 12th में आपसे कोई परसेंटेज नहीं मांग रहा, इवन नॉट 12th की परसेंटेज कुछ नहीं चाहिए। हाँ, पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। कोई भी कोर्स से, चाहे वो BA हो, चाहे वो BTech हो, चाहे वो MBA हो, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में बच्चा फिजिकली मेंटली साउंड होना चाहिए, वो बाद में वो लोग देख लेंगे, चेक कर लेंगे। एम्प्लॉयमेंट में गेनफुली एम्प्लॉयड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डोंट टेक इट लाइटली। तो जो लोग एम्प्लॉयड नहीं है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और जो लोग एम्प्लॉयड हैं, चाहे वो किसी प्राइवेट सेक्टर में क्यों ना हो या उनका सेल्फ बिजनेस क्यों ना हो, दे कैन अप्लाई फॉर TA, ठीक है। बल्कि एक डॉक्यूमेंट भी आपको सबमिट करना पड़ता है TA में अप्लाई करते वक्त कि यू आर एम्प्लॉयड समवेयर, ठीक है, ये आपको शो करना पड़ेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एसएस भी। अच्छा, डेट ऑफ रिटन एग्जाम इज 28 July 2019, ठीक है। तो आपको टाइम भी काफ़ी है, जुलाई में एग्ज़ाम है, अभी पूरा 1 महीना है, लगभग 1-2 महीने पूरे हैं आपके पास।
28 जुलाई इज द डेट ऑफ एग्जाम. हाउ टू अप्लाई, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन. ठीक है, आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है, पहले ऑफलाइन था अभी ऑनलाइन हो चुका है, जिसमें जॉइन टेरिटोरियल आर्मी डॉट जी ओ वी डॉट इन के थ्रू आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे. ठीक है, कोई अदर मोड इज़ नॉट अलाउड. ठीक है, कोई अदर मोड इज़ नॉट अलाउड. उसके बाद सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन. ठीक है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस 26 मई से भरे जा रहे हैं, तो ये स्टार्ट हो चुके हैं. टुडे इज 29th, ये स्टार्ट हो चुके हैं और 25th ऑफ जून तक हैं, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, बी केयरफुल बेटा, आपको 25 जून से पहले पहले ये सबमिट करना है ऑनलाइन. ठीक है, नहीं तो उसके बाद लिंक डिसेबल हो जाएगा. ठीक है, और सारे इंस्ट्रक्शंस आपको वेबसाइट में अवेलेबल हैं. ठीक है, और वेबसाइट का नाम फिर से क्या है, जॉइन टेरिटोरियल आर्मी डॉट जी ओ वी डॉट इन. ठीक है, मैं फिर से इसको मार्क करूँगा. फी डिटेल्स सिर्फ 200 रुपीज़ है बेटा, आपको 200 रुपीज़ ऑनलाइन सबमिट करने पड़ेंगे. ठीक है, तो 200 रुपीज़ इज़ द फी. ठीक है, फॉर्म सबमिट करने के लिए. और मैं आपको अब सिलेबस बता दूँ, सिलेबस ऑफ रिटन एग्ज़ाम. ठीक है, और जो जो आपका रिटन एग्ज़ाम है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं. डिटेल सिलेबस तो नहीं है, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा. इट्स वेरी सिंपल, सारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में यही चीज़ें आती हैं बेटा. ठीक है, तो पेपर वन एंड पेपर टू है इसमें, आपका दो पेपर्स हैं, पेपर वन एंड पेपर टू. पेपर वन कंप्राइजेस टू पार्ट्स. पार्ट वन में आपका रीजनिंग है, वेरी सिंपल रीजनिंग, एंड पार्ट टू में आपकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, दैट इज़ अप टू द लेवल ऑफ 10th. ठीक है, तो बहुत ईजी है, दो घंटे का पेपर है, 50-50 मार्क्स का, मार्क्स 50-50 क्वेश्चंस आएंगे दोनों पार्ट्स में, और 50-50 मार्क्स के हैं वो दोनों पार्ट्स. इसका मतलब पार्ट वन अगर टोटली देखो तो मैं कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का. कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का. सिमिलरली जो पेपर टू है उसमें भी दो पार्ट्स हैं, पार्ट वन पार्ट टू. पार्ट वन में जीके आएगा, पार्ट टू में इंग्लिश है. 2 आर्ट्स का है, 50-50 क्वेश्चन है जीके में भी इंग्लिश में भी, और अगेन 50-50 मार्क्स का है, तो पार्ट टू भी कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का. ठीक है, और अगर आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका एक इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद फिर आपकी लिस्ट आएगी SSB के लिए. फिर प्रोसेस सेम है, फिर आप SSB देंगे. SSB में अगर क्वालिफाई होंगे तो फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट आने के बाद देन यू विल बी असाइंड योर यूनिट, यूनिट में आपकी ट्रेनिंग होगी. ठीक है, तो आप ये लगा लीजिए कि एक साल, लगभग 1 से 1.5 साल की ट्रेनिंग है, लेकिन वो पार्ट्स में होने वाली है, वो आपकी डायरेक्टली अकेडमीज में नहीं होगी, लाइक इंडियन मिलिट्री अकेडमी में नहीं होगी, वो आपकी यूनिट में भी हो सकती है और वो IMA में भी होगी. ठीक है, तो पार्ट्स में ट्रेनिंग होगी, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है. और बेटा एज सून एज पॉसिबल जितने भी बच्चे हैं, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल हैं, वो ज़रूर TA के लिए अप्लाई करो, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए. और मैं ये बात भी बताना चाहूँगा, अच्छा लास्ट में इसमें इसने फिर से वही बात रिपीट करी है कि कोई और मोड इज़ नॉट अलाउड फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन. ठीक है, आपको सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है. और अगेन द वेबसाइट इज़ जॉइन टेरिटोरियल आर्मी डॉट जी ओ वी डॉट इन. ठीक है, सो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एज सून एज पॉसिबल. जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, खासकर फीमेल कैंडिडेट्स से मैं कहूँगा, बहुत सारी जो लड़कियां हमारे यहाँ भी पढ़ती हैं जिनके OTE के अटेम्प्ट्स चले गए हैं, तो वो उनको बड़ा दे यूज़ टू फील सो लो कि अब हम लोग आर्मी में नहीं जा सकते, लेकिन बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी अब उनके लिए आई है. ठीक है, तो और एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, डिफेंस ऑफिसर्स अकेडमी फ्रॉम 3rd of June स्टार्टिंग अ न्यू बैच फॉर TA. ठीक है, तो TA का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जिसको रेगुलर पढ़ना है उसकी क्लासेस मंडे टू सैटरडे चलेंगी, और वीकली क्लासेस भी हैं. जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो वीकली आ सकते हैं. ठीक है, तो उनकी क्लासेस सिर्फ सैटरडेज चलेंगी. तो आपको सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट से मिल जाएंगी हमारे बारे में, इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट. उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम फीमेल कैंडिडेट्स को ये वीडियो मिले, ताकि उनको पता चले कि दे आर एलिजिबल फॉर TA, एजेस अप टू 42 ईयर्स. ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो बहुत सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी से इसके ऊपर मेहनत करो, और अगर आपकी कोई और क्वेरी होगी रिगार्डिंग TA तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना. ठीक है, ऑल द बेस्ट.